10 seconds remaining in Amma's birthday. ठीक है, जो कि हमने vlog continue किया था ये वही है. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amma. Happy birthday to you. बाबा आपको हमारे सर पर सलामत रखें, खुशियां देखना नसीब करे अपने बच्चों की, अपनी आपकी और बाबा की जोड़ी सलामत रखे हमेशा. और ऐसे ही हंसती रहे और हंसाती रहे लोगों को, खुश रहे. बस तुम्हें ना साथ ही मैगी तो जानी को. रोने ना लग जाना आप बस. नहीं नहीं आई जी, देखे 12 पूरे बज गए. टिशन टैश. हैप्पी बर्थडे. एक भी कैसा भी थोड़ा जो सिखाई पता है मैंने आजकल जरा अम्मा डाइटिंग पे है ना. ये भी आने वाले ब्लॉग्स में आपको बाकी डाइट और गजल की डाइट के बारे में बताएंगे. अच्छा, गजल ने जिम शुरू कर दी है. ज्यादा जोर ना आज इतना ओके. अम्मा हैप्पी बर्थडे अगेन और वेलकम बैक कर दे. व्लॉग ने शुरू किया हुआ हमने अभी तक. थैंक यू सो मच. कैसे करते हैं हम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाहर चैन. खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे. मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने मुझे सरप्राइज किया, मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ याद करवाई. आप इनको बहुत खुश रखे, शाद रहे, आबाद रहे, और आप सब भी. आमीन. सारी दुआएं आप सब के लिए. आमीन. इतने खूबसूरत महीने में आपकी बर्थडे आई है. हाँ. तो इस पे तो दुआएं बनती बनती है ना. रमजान के महीने में अम्मा की बर्थडे आई है और अल्लाह पाक इनको हमारे सर पे सलामत रखे. कुल कायनात के माँ बाप को उनके सर पे सलामत रखे. और आपके लिए एक और सरप्राइज भी है, मगर वो अभी नहीं, वो आपको कल मॉर्निंग में ही पता चलेगा इंशाल्लाह. एक और सरप्राइज भी है. रमजान के अकॉर्डिंग ही सरप्राइज है और आप शदीद खुश होंगे. खूबसूरत सरप्राइज इंशाल्लाह. इंशाल्लाह आपकी 30 से ज्यादा अच्छा खूबसूरत सरप्राइज है इंशाल्लाह. औलाद तो बात कुछ सोना नहीं होता. मैं कहो पूछो तो पीछे देखो उसको. तो बात तो कोई भी सोना नहीं होता. मैं कहो पूछो. हाँ ये नहीं. इसके अलावा भी आपके लिए एक बहुत खूबसूरत हमने सरप्राइज रखा हुआ है, जो कि बाबा को इस बात का पता है. हमने शामिल किया था थोड़ी थोड़ी सी देर पहले, ज्यादा देर पहले उनको भी नहीं पाया था, मगर इंशाल्लाह वो आपको भी सरप्राइज पता चलेगा. कल दोपहर में हम लोग इफ्तार से पहले वो सरप्राइज आपको दे देंगे, फिर इफ्तार में आपका बर्थडे या केक कट करके आपको फाइनल हैप्पी बर्थडे बोल के खत्म कर देंगे. ठीक है, यानी एक दफा फिर केक. यस यस. आपको पता है मेरे वाला केक तो आया ही नहीं, ये तो दूसरा केक था. मेरे वाला केक तो अभी आना है इंशाल्लाह. अभी हम लोग खैर सारी स्टोरी करेंगे और वधिया सी सारी कराते हैं अम्मा को. ठीक है, और फिर कल जो सरप्राइज होगा वो आप लोगों को भी पता चल जाएगा और इनको भी पता चल. आप लोगों को तो पता ही है मगर इनको पता चल जाएगा इंशाल्लाह. ले जी, सुबह के बज गए 3:30. ठीक है जी, अब हम लोग सहरी करने लगे हैं और सहरी में आज बना है निहारी. निहारी के निहार जाएं हम. ठीक है, और साथ उसकी वो मसाला है. जवाद साहब क्रिकेट खेल के आके बैठ गए. पसीना आया हुआ आपको शदीद किस्म का. जवाब साहब हाथ मुंह धो लिया आपने. अच्छे बच्चे बन गए. डालें खाना, मैं आपके इंतजार कर रही हूँ. आपके साथ ही आज खाना चाह रहा हूँ. जी जी जरूर. लेग पीस ये मौका आपने मुझे कैसे दे दिया. जवाब साहब और अलग अलग प्लेट में खाते हैं हम, भाई खाना अपना अपना. आज कह रहे इकट्ठे खाएंगे. वाह, मोहब्बत बढ़ती है, खाना चाहिए. सहरी करते हैं और फिर नमाज पढ़ के इंशाल्लाह सोएंगे और व्लॉग कंटिन्यू करेंगे उठने के बाद. क्या बात है. इसके ऊपर करेंगे अब गार्निश की बारिश. अदकर मतलब इसके ऊपर करेंगे पुदीने. पुदीना हल्का, बस बहुत ज्यादा है. मिर्चे भी डाले ना. ये मिर्चे नहीं डाल सकते, मिर्चे डाल सकते हैं. मिर्चे नहीं डालनी इसमें. मिर्चे नहीं डालनी. नहीं डालनी है. ठीक है, वेरी गुड. ऐसे बना के खानी है, आपने कभी नहीं आदि खाई. अब इसके साथ लेंगे एक नान. देखिए पूरा फिर दिखाएं, ऐसे नहीं. इसको करेंगे आधा आधा.
आधा आप ले, आधा मीजे दे। मीजे तो नहीं दे सकते, मुझे दे सकते हैं। आप ही निकलती है निकालने बैठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A few moments later. शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला कुल्ले हालहीम। हमने सहरी शहरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार तेरा शुक्र कि आपने हमें एक और सहरी करने का मौका नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाबिसौम गदर नवैतो मिन शहर रमज़ान। और अल्लाह पाक हमें ऐसे ही रोज़े रखने की तौफीक अता करते रहें और सेहत याबी के साथ। अभी खैर नमाज शमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह सोएंगे और फिर उठ के आपसे मुलाकात करेंगे जब हमने अम्मा को अपना वो सरप्राइज़ देना है, जो कि मुझे लगता है कि मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे यही लगता है कि उन्हें बहुत 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 पसंद आने वाला ये सरप्राइज़। और उसके साथ साथ ये आप लोगों की भी मेहनत और आप लोगों के भी इतने सपोर्ट की वजह से मुमकिन हो सका है कि हम एक इस तरह का काम करने जा रहे हैं। मैंने लिटरली, मैं पहले ये काम करती रही हूँ बट वो ऐसे नहीं होता था कि मैं खुद जाके दे रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर देती थी। बट अल्लाह पाक ने, अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक अता की है कि हम अलहदा से भी ये काम कर सकें, अपने ओन पे भी ये काम कर सकें। तो अल्लाह पाक हमें वो खैर से एग्जीक्यूट करना उसको नसीब फरमाए। अभी नमाज पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे उठ कर, जब उठ जाएंगे तो जहर के टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक। 2000 इयर्स लेटर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गजल जवाज़ चैनल। तो जी फाइनली दिस इज द डे कि जब हम अम्मा को सरप्राइज देने वाले हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरीथिंग इज रेडी। अम्मा को मैंने कह दिया अम्मा जाके कपड़े चेंज कर लें, ठीक है, ताकि हम लोग उनको ये सरप्राइज भी दें और साथ लेके उन्हें चलें और फिर जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें। ठीक है जी, तो सारा काम ऑलमोस्ट हो गया हुआ है। ठीक है, अभी नीचे चलते हैं, अम्मा से मिलते हैं, वो देखते हैं कपड़े शपड़े उन्होंने चेंज किए हैं या नहीं किए। ठीक है जी, उनसे मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे उनको सरप्राइज देने के बाद। तो उम्मीद है आपको भी सरप्राइज पसंद आया होगा क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, मगर अम्मा को सरप्राइज देते हैं चल के और उनका रिएक्शन लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम अम्मा, हैप्पी बर्थडे बर्थडे वुमन, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तैयार हो गई हैं? हमने अम्मा को कहा है जरा प्यारी सी बन जाए तो वो ये ऐसे ये प्यारी सी बन जाए। हाँ, और मैं प्यारी सी बन गई। हाँ, हमने अम्मा को कहा प्यारी सी बन जाए, अम्मा प्यारी सी बन गई है। ठीक है, अभी आपके लिए है एक छोटा सा सरप्राइज, जिस सरप्राइज की हम कल बात कर रहे हैं। रात को भी था फिर है। हाँ, रात वाला सरप्राइज तो हर दफा होता है ना, वो तो आप भूल जाती हैं तो आपको वो सरप्राइज नहीं लगता। नहीं, वो तो आप अपनी बर्थडे भूल जाती है तो आपको सरप्राइज लगता है। मैं एक दफा जवाब देने की भूल गई थी, दो दिन बाद याद आया, ओए होए उसी तो 5 अप्रैल से। अच्छा जी, आपके लिए है एक छोटा सा सरप्राइज। उस सरप्राइज की तैयारियां शैरियां हो रही हैं बाहर। ठीक है, तो मतलब बाहर मतलब बाहर। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से बैठना चाहिए क्योंकि आप कैमरे में देख लेती हैं। ठीक है, अच्छा बिल्कुल। हाँ, आप इधर बैठे, मैं बाहर तैयारियां देख के आती हूँ कि वो चीज नीचे आ गई है तो फिर हम आपको लेके बैठ चलेंगे। ठीक है, अच्छा वो फिर मेरा मोबाइल दो, मैं फिर फजूल तो रहना बैठूं। अच्छा, उसमें कैमरा नहीं हुआ वहां। मैं दे देती हूँ, मोबाइल दे देती हूँ। हाँ, और मैं आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि आपको कैसा फील होता है इस सबके साथ। बाबा को मैंने अपनी टीम में मिला लिया। हाँ, वो तो है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जाना भी है हमने, कहीं जाना भी है, जाना भी है, टेंशन ना लें। ठीक है, मैं आपको आपका फोन दे देती हूँ। और भाई जवानों ले आए हो नीचे? गुड, शाबाश। ये हमने नीचे ही मंगवा लिए क्योंकि फिर अम्मा को ऊपर जाना पड़ना था और आप सबको पता है कि अम्मा की टांग का थोड़ा सा मसला है आजकल, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक हो गई है, बट स्टिल हमने कहा कि ऊपर क्यों ही जाना है, इधर नीचे ही मंगवा लेते हैं। तो ये आ गए सारा सरप्राइज। अब जवाद और अशरफ भाई को उठाते हैं और अम्मा को भी लेके आते हैं। ठीक है बाबा, फिर निकलते हैं। ओके, हाय अम्मा, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, चलिए आओ चले। बस करें, रोजे में तो झूठ ना बोला करें। आमना तो अग्गे कोई भी नहीं है। वोला दरवाजा बंद करना बड़ा वाला। आओ जी चले ध्यान से, ये दरवाजा खुल गया।
यहाँ से आगे सीधा मैं हूँ साथी हूँ साथी हमने ये सोचा कि हम हर दफा बर्थडे पे या कहीं बाहर चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं और थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लिया, सारा कुछ हर दफा करते हैं, ठीक है। इस दफा रमजान के बाबरकत महीने में आपकी बर्थडे आई है तो हम चाहते थे कि हम कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आपके लिए करें। बिकॉज हमें पता है हमारे वालदैन का एक ही मोटिव होता है कि अपने लिए तो जो करो ही करो, दूसरों के लिए ज्यादा कर दो, ऐसे ही है, ठीक है। तो हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। तुम यार ये सबसे बेहतर, बहुत खूबसूरत, और मौला पंतर पाक इसी तरह ही कबूल करे। सच में ये 20 रमजान पैकेजेस जो हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए आपके बच्चों से निकालो ने, ये आपका जैसे दिल करता है ये आप बांट दें। ये बहुत अल्लाह पाक से बहुत रिजल्ट दवे भी खुशी है, दवे जीने रहो खुश रहो, अल्लाह पाक से बहुत तरक्कियां दे। रोना नहीं है बाप ने, नहीं ये बहुत बड़ी सादत है गजल में, ये बहुत बड़ी सादत है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आए आपके दरवाजे पे और वो खाली, कोई शक नहीं, ये वाकई सीरियसली बहुत बड़ी सादत है और अल्लाह पाक ने ये दी है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कसम से, बहुत बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक तुम सबके रोजी रिज़क में इजाफा करे और अल्लाह पाक हमें हमेशा देने वाला हाथ रखे, लेने वाला ना करे, सबके साथ जिंदगी हो। हमने सोचा हर दफा बाहर जाके खाना खा लेते हैं कुछ ना कुछ, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा करते हैं रमजान के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है, सही है ना। अगर मेरी आने ली जान ली जिंदगी की भी आकबत समझ आए, ये सबसे बेहतर तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा के साथ कोऑर्डिनेट किया था, उन्होंने कहा कि जी मुझे पता है हम कहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अब आप हमारे साथ जाएंगे, अपने हाथ से दिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ सामान ये आ गया और कुछ है हमारी वो वाली गाड़ी में आगे। जवाब साहब और मैं हमारी राम प्यारी प्रिया इस सिविक में, सिविक कह रही हूँ क्या है, कल्टस में, सिविक वाला भी खत्म करना है, लेके आनी है सिविक। वो अब्दुल्ला भाई को कॉल करके पूछेंगे जी कब तक देनी है आपने, क्या सीन है आपका। खैर अभी चल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बाबा ने हमें बताया था एक जगह पे, बाबा के एक दोस्त हैं जो कि वेलफेयर का कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो उन्होंने बोला था हमारे साहब आप मेरे घर आ जाएं, मैं ये बाजी के हाथ से बंटवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम लोग जाने लगे हैं उधर, वहाँ पहुँचते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। मुझे बताएं जवाब, आपको लगता है अम्मा को पसंद आया होगा? यार मेरे ख्याल से डेफिनेटली अम्मा को पसंद आया, क्योंकि गजल अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा को भी पता है सारा कुछ ही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करके कह रहे हैं कि सारा कुछ है। सही बात, तो बात ये कि भरे को भरना बड़ी बात नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है, माना भरना तो फिर वो देखो कि जिसको भरने की जरूरत हो, आज जिनके पास जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम आ जाएगा। हाँ ये भी है, चले खैर मुझे तो लगता है अम्मा को बहुत पसंद आया है, अब आगे खैर चलते हैं। और उन्होंने जो बात कर दी है ना वो बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने कि भाई यहाँ का तो है ही है, आगे का ज्यादा राह बनाता है इंसान ये इन चीजों से, ये तोहफा ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ये तोहफा है ये इंसान को दुनियावी सहूलतें नहीं फराहम करता, कुछ चीजें आखिरत के लिए भी होती हैं, ठीक है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप की जिंदगी करे, ठीक है, मगर जो रियलिटी है वो भी रियलिटी है, बिल्कुल ऐसा ही। चले जी अभी बस चलते हैं उधर अपनी डेस्टिनेशन पर, वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह आपको अंकल से भी हो सका तो मिलवाएंगे, नहीं तो फिर ये अपना सारा काम शाम करके डिस्ट्रीब्यूट करके फिर इंशाल्लाह घर आके इफ्तार करेंगे। लें जी अम्मा सारा सामान अंदर जा रहा है, चलो ठीक है, आप अंदर आ जाए, मेरे साथ ही वो ऑटो उधर बैठी हैं, आप साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, मैं वीडियो बना लूँगी, ठीक है जी, ठीक है, लेट्स गो। हो गए बाबा पूरे? चलें जी अम्मा, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लें जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इस कार्य खैर से हमें कहते हैं एक सुर्ख रूह किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्यारी सी बच्ची आपको मेरे पास नजर आ रही होगी,
ये मैं दिखाती हूँ इनके वालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो अंकल थैंक यू सो वेरी मच हमारा इतना साथ देने के लिए। और ये सारा मतलब हमने तो एक प्लान बनाया था, आपने बाबा के साथ मिलकर एग्जीक्यूट कराया है, सो थैंक यू सो वेरी मच टू यू एंड एज वेल एज मेरे वालिद साहब, जिनकी वजह से ये कार्य खैर जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है जी, बहुत खुशी हुई है मुझे। मौला आपको सलामत रखे जी, भाई है हमारे हमाद भाई, बहुत मौला पैतर पाक इनको ज्यादा दे इलाही आमीन। और आप लोगों की फैमिली को मौला पैतर पाक इससे ज्यादा इस्तात अदा करे इलाही आमीन। बढ़ चढ़ के कार्य खैर में अपने लिए तो हर भी जीते हैं बिल्कुल, आप दुखी इंसानियत के लिए किसी बस्तक के लिए काम कर रहे हैं तो इसका बेहतरीन मौला पैतर पाक आपको अजर अजीम अता इलाही आमीन। आपके साथ मालिक आपको आइंदा साल इससे बढ़ चढ़ के दुगनी चुगनी आपको इस तरह की हिम्मत दे मालिक, क्या इलाही आमीन। इलाही आमीन खिदमत करते रहे इलाही आमीन। अम्मा जब बांट रही थी मैं तब भी मेरे दिमाग में और दिल में एक ही दुआ चल रही थी, परवरदिगार इस दफा इतना दिया है, अगली दफा इससे दुगना तिगना करके देने की तौफीक अता फरमाई आमीन। और इस तरह की प्यारी प्यारी सी बेटियां बेटे अल्लाह पाक मुझे भी दे आमीन। सही कहा इन्होंने कि मौला पंतर पाक हमें इतना दे, खुद तो खाते ही रहती है बिल्कुल ऐसे बढ़कर खाती है बिल्कुल। आज जो देने में खुशी हुई है यकीन करो नहीं इतनी कभी किसी और चीज की, बिल्कुल ऐसे ही है। ये दुनिया और आखिरत दोनों का जो एक सबब इंसान बनाता है ये वो है। इन बच्चों मेरे का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक सबके बच्चे ऐसे ही रखे आमीन। अच्छी सोच के साथ और एहसास के साथ इलाही आमीन। इलाही आमीन इन्हें ऐसे ही रखे बल्कि इससे ज्यादा देने की तौफीक इलाही आमीन। इलाही आमीन। अब एक सरप्राइज आपका यहाँ पे भी है जो मुझे अभी पता चला है, मैं लेके आती हूँ आपके लिए वो सरप्राइज। ये लें जी, ये आया एक और अम्मा का केक, हैप्पी बर्थडे फरा बाजी। आजी जी आ जाए आ जाए, बिस्मिल्लाह। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फरा मां, हैप्पी बर्थडे टू यू। इलाही आमीन इलाही आमीन। खा तो कोई सकता नहीं है, काट लें मगर। ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इहतमाम किया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। थैंक यू। ओके अंकल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई 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 हाँ जी हाँ जी। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर वापस आ चुके, होम स्वीट होम फाइनली, देख ले हमारा घर ही है। आ गई अम्मा जी वापस। अम्मा लोग अलहदा गाड़ी में आए थे, हम लोग अलहदा गाड़ी में आए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम दो गाड़ियों में लेके गए थे इतना सारा सामान। ठीक है जी, अम्मा आपका बर्थडे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, बताएं आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो कुछ किया है ना सी, और चीजा तो ज्यादा बेहतर है जेड़ा सी मकसद भी यही था कि रमजान में आपकी बर्थडे आई। ठीक है, हम लोगों ने हम लोग जिस टाइम ये गए, आपको नहीं पता मुझे पता आप लोग गए हुए थे डॉक्टर के पास, हमने पीछे से ये प्लान किया, मैंने सोचा, फिर मैंने इन लोगों ने मुझसे आइडिया पूछा, मैंने आइडिया दिया, मैं कहा ये कर सकते हैं हम, फिर जवाद ने अर्जुन भाई ने मुझे कहा कि जरूर कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है, ऊपर से रमजान में बर्थडे जब आती है तो फिर वो और ही सादत वाली बात हो जाती है। ऐसे हो गया ना मेरे लिए तो दोनों बातों का सवाब हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके हाथों से बंटवाने का मकसद ये था कि अल्लाह पाक आप दोनों को हमारे सर पे सलामत रखे। ठीक है, और सबसे बड़ी नेमत दुनिया में माँ बाप ही होते हैं, और ये दिखाने का भी मकसद यही था कि अगर हम ये कर सकते हैं तो कोई और भी कर सकता है। ठीक है, और करना भी चाहिए। एग्जैक्टली दुनिया के साथ साथ में एक दफा दे भी देना, वैसे तो हाथ से देना ही अच्छा है। बिल्कुल ऐसे जो अल्लाह ताला फरमात कहते उनका कहना भी यही है ना। बिल्कुल ऐसे ही हम ये अपने जब खाते हैं तो दूसरों का ख्याल करके खाया करें। बिल्कुल ऐसे, अगर हम साल बाद दे भी दे तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। बिल्कुल, मेरी वैसे कोशिश होगी, मेरी बेटी ने जो ये किया ना रमजान में, यार बर्थडे होए ना होए ये काम होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने यही उस टाइम जब मैं वीडियो बना रही थी और आप ये बांट रही थी, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अल्लाह पाक हमें तौफीक देते रहना इसी तरह कि हम लोग इससे दुगना इस दफा इतने किए हैं, अगली दफा इससे डबल करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। एक चीज जो मुझे लगी है कि कितने लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है। बिल्कुल ऐसे हमारे इस रमजान के इस प्यारे रहमत वाले महीने में हमारे रिजक में इनका हिस्सा था। बिल्कुल ऐसे जो हमारे हाथ से गया, और मैं वाकई बड़ी खुश हो रही थी और मैं लोगों को देख रही थी, और मैंने उस वक्त भी यही दुआ की कि मौला पंजन पाक
कि सदके मुझे देने वाला रखी, इलाही आमीन, देने वाला हाथ रखे, ऐसे हाथ रखे, ऐसे ना रखे, आमीन। खैर आपको पसंद आया आपका बर्थडे का सरप्राइज, गुड। बाबा को हमने कल बता दिया था है, और बाबा की ही हेल्प से हमने, यकीन करें हम लोग पहले निकले थे, जिस टाइम हम लोग निकले हम लोग ने कहा डिफरेंट डिफरेंट देख लेंगे, बाबा ने जब अश्विन भाई ने बाबा से बात की कि बाबा को थोड़ा बहुत आइडिया ज्यादा है इन चीजों का, वो अपना भी सौदा सर्च लेने जाते हैं तो उनको पता होता है, हम लोग तो नहीं जाते। खैर तो बाबा ने हमें कुछ चीजें वगैरह भेजी कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। फिर मैं रात को बाबा को दिखाने भी गई थी ऊपर कि आके एक दफा देख लें आप लोग, आपको बेहतर पता है हमसे, आप खुद आके देख लें। तो फिर हमने लिया भी वहीं से जहां से हमने अपना सामान लिया था। अल्लाह बाप फरमाता है ना, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। तो हमने लिए भी वहीं से जहां से हमने अपना घर का सौदा सेल्फ लिया था, वहीं से ही ये चीजें सारी लेके फिर डिस्ट्रीब्यूट किए। और अब टाइम आया जाता है व्लॉग एंड करने का। अच्छा आपके पास भी कुछ है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आए आए। बाबा की तरफ से बर्थडे गिफ्ट आया है, नाइस, दिखाएं। ईद के सूट आ गए, ईद की शॉपिंग भी कर लेते, अनबॉक्सिंग भी साथ ही कर लेते। जवाद अली से नहीं लिया था जब से, हाँ हाँ, असी ते राहत और एक तो असी के नए रास्ते लाए, असी ते अल्लाह दी रात ला देता है, बहुत अच्छा किया। हाँ अच्छा जी, वेरी नाइस, पकड़े जरा अजू भाई, बहुत जबरदस्त, वेरी प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ही है, डब्बा भी प्यारा है, उड़ गया रे तेरा हवा जी का शौक। ये इन्होंने ये थ्री पीस है, ये भी और ये भी, इसकी शर्ट बड़ी खूबसूरत है। चले जी, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, और इसके साथ साथ आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। यकीन करें मेरी फेवरेट जोड़ी अगर कोई पूछे ना तो मैं कहती हूँ ये वाले माँ बाप जो है ना, ये मेरी फेवरेट जोड़ी है कसम से। मेनू भी ऐसे तरह ही तेन खुश रखन दी रखे कि मैं अपनी गल तो ना फिरा, खुशी मैं मेरे मां बाप मेरे जनोई इन खुशी जेडी ना बहुत वड्डा कर दिंदी, हुण तां इन्ना वड्डा मेरा दिन करता है। इलाही आमीन आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी दुआ में याद रखें, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। और यहाँ तक व्लॉग देखने का बहुत सारा शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, साइलेंट, अल्लाह हाफिज।